हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर है, क्योंकि जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि आज हमारे देश में बहुत सारे लोग कोविड-19 की वजह से अफेक्टेड हैं, और ये इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा हमारे फेफड़े यानी कि हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। और इस इन्फेक्शन की वजह से हमारी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी, जो हमारी सांस लेने की जो क्षमता है, वो कम होती जाती है। और कई लोगों में जब ये सीवियरली इफेक्ट हो जाते हैं तो उनका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो भी गिर जाता है, जो कि अगर 95 के नीचे जितना ज़्यादा गिरता हुआ जाएगा उतना ही ज़्यादा उनको वेंटिलेटर सपोर्ट या ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे कि हम अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी या हमारी सांस लेने की क्षमता उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, और यहाँ तक कि कुछ हद तक हम सेचुरेशन लेवल जो है ऑक्सीजन का वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये उनके लिए अच्छा रहेगा जो लोग कोविड से रिकवर हो चुके हैं, या जो लोग माइल्ड सिम्टम्स दिखा रहे हैं, या वो लोग भी जिन्हें कोई इन्फेक्शन नहीं है लेकिन उनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी थोड़ी कम है, वो इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम तीन एक्सरसाइजेस करेंगे यहाँ पे, एक डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग, दूसरा हम यूज़ करेंगे इंसेंटिव स्पायरोमीटर जो कि आप आसानी से अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी भी फार्मेसी शॉप से खरीद सकते हैं, और तीसरी है प्रोनाइन ब्रीदिंग। तो दोस्तों, प्रोनाइन ब्रीदिंग के लिए आपको कुछ तकिए यानी कि पिलो चाहिए होंगे, एक पिलो सामने की तरफ, 2 से 3 पिलो बीच में और एक पिलो पैर के पास, ठीक है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो बीच के जो तकिए हैं उसे हमें कमर के नीचे रखना है, कमर ये पोर्शन में, पेट के नीचे कोई दबाव नहीं आना चाहिए। तो आपको इस तरह से लेटना है कि पहला तकिया पैर के नीचे, घुटनों के नीचे आए, दूसरा कमर के नीचे, और तीसरा छाती के नीचे, चेस्ट के नीचे, और आप अपने सर को सामने की तरफ साइड में कहीं पे भी जहाँ भी आराम लगे आपको वहाँ रख के डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको चाहिए तो आप तकिए पे उसको सपोर्ट करके हाथ साइड में रख सकते हैं, और फिर आपको डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करनी है। इस पोजीशन में आने पे और इस पोजीशन में ब्रीदिंग करने पे आपका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो कुछ मिनटों में ही इम्प्रूव हो जाएगा। और कितनी देर करनी है, ये आधे घंटे करनी है, हर 2 घंटे पे इसको रिपीट करना है। किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए, वो लोग जिनका जिनका वजन की वजह से पेट ज़्यादा है और वो पेट दबेगा इस पोजिशन में आने पर, उनको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे उनका डायफ्राम का जो मूवमेंट है वो ठीक नहीं होगा। जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनको ये अवॉइड करना है, वो लोग जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है, उनको अवॉइड करना है, और वो लोग भी जिनको कमर दर्द की वजह से इस पोजीशन में आने में तकलीफ है, उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग के लिए आपको सपोर्टेड, इस तरह से सपोर्ट लेके बैठना है। आप 1 या 2 पिलो ले सकते हैं, और आपको आपका एक या दोनों हाथ आपके पेट पे रखना है, नाभि के आसपास, और आपको कुछ इस तरह से सांस लेना है कि आप सांस लेंगे तो आपका हाथ ऊपर जाएगा और जब आप सांस छोड़ेंगे तो हाथ नीचे जाना चाहिए, कुछ इस तरह से। नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें। ऐसा आप 10 से 15 बार रिपीट करें, और हो सके तो हर 1 से 2 घंटे पे रिपीट करें। तो दोस्तों, ये है स्पायरोमीटर, इसको इंसेंटिव स्पायरोमीटर बोलते हैं। इसमें 3 बॉल्स होते हैं, ये अलग अलग कलर के होते हैं। मेरे पास जो है उसमें एक हरा, एक पीला और एक नीले रंग का है। ये पाइप है और ये उसका माउथ पीस है। तो जब हम इसमें हम दोनों तरीके का एक्सरसाइज कर सकते हैं, सांस लेने वाला और सांस छोड़ने वाला। तो जब हम इस तरह से पकड़ेंगे नीचे की तरफ जहाँ पे स्टैंड रखा है, तब हम सांस अंदर खींचने वाला एक्सरसाइज करेंगे, और हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा माउथ पीस है उसके लेवल पे ही ये 3 बॉल्स होने चाहिए, ठीक है। तो आप पहले सांस छोड़ दीजिए
और उसके बाद इस पूरे माउथपीस को मुंह के अंदर रख के कवर करके फिर सांस खींचना है। जैसे जैसे आप अपने सांस खींचने की जो ताकत है वो बढ़ाएंगे, वो तीनों बॉल ऊपर जाएंगे। जब हम इसे नीचे की तरफ करेंगे तब हम इसमें सांस छोड़ने की एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए इस बार स्टैंड ऊपर है, इसे साइड में पकड़िए, अगेन माउथ पीस को पूरा कवर करना है और सांस लेके पाइप के अंदर छोड़ना है। ऐसा 10 से 15 बार सांस छोड़ने के लिए और 10 से 15 बार सांस लेने के लिए करना है। हर 2 से 3 घंटे पे इसे करने पे हमारी जो सांस लेने की क्षमता है वो इम्प्रूव हो सकती है।